अच्छी बात है मूवी को पुश करने के लिए ये ऑफर्स लाए जाते हैं मैदान वालों ने जो ऑफ़र अभी लाया है पर एक बात बोलूँ क्योंकि बोनी कपूर को भी ये चीज़ पता है कि उन्होंने सम हाउ मूवी को क्लैश की बात ही नहीं है भाई क्लैश को छोड़ दो आप बार बार पोस्टपोन करना मैदान का जो रियल हाइप था ना वो कब था पता है मुझे याद है भोला को गया था मैं उसका टीज़र आया था मैदान का और उस टाइम पे पब्लिक ने क्या चेयर किया था मतलब चिल्ला चिल्ला के लोगों के गले ये हुए थे इतना हाइप था और बोला था कि दो एक दो महीने बाद मैदान आने वाले उस टाइम पे जो हाइप था ना मैदान का अरे पंद्रह बीस करोड़ का तो ऐसे ही यू ले लेती हूँ ओपनिंग वो हाइप था ये ना करना पड़ता फ्राइडे सैटरडे संडे के लिए इन लोगों ने स्पेशली सैटरडे संडे के लिए इन लोगों ने एक ऑफ़र लाया है बाई वन गेट वन और आप जानते हो कि मूवी का जब हालत थोड़ा पतला हो जाता है आधर देख वो चीज़ें रहती है बाई वन गेट वन कब लाया जाता है एक तो तीन चार वीक बाद जब आपकी मूवी इतनी सक्सेसफुल चल रही है तो थोड़ा बहुत और कलेक्शन करने के लिए या फिर जब मूवी बहुत बुरी फंसती है और यहाँ पे दिख गया है दूसरे ही दिन पे तीसरे दिन पर ऑफ़र लाना पड़ा मतलब द वैक्सीन वॉर वाला ने ये किया था उनकी हालत बुरी हुई थी तो ये आपके सामने है मैदान का रिजल्ट बोनी कपूर ने एक्सेप्ट कर लिया है डिफिक्ट पर दूसरी बात ये भी है कि अगर ये फिल्म सच में अजय देवगन फिल्म की होती ना ये मूवी सच में बहुत पहले रिलीज़ होती और इस इतनी अच्छी मूवी का बैंड नहीं बचता लोग अट्रैक्ट नहीं हुए क्योंकि ज़ीरो प्रमोशन किया गया अब कुछ लोग बोल रहे कि भाई शैतान का भी तो ज़ीरो प्रमोशन था शैतान का थीम अलग था शैतान अजय देवगन एक साल बाद आया था आर माधवन पहली बार इस टाइप का रोल कर रहा था जो किसी ने नहीं देखा था शैतान की हाइप मैदान से ऑलरेडी ज़्यादा थी मैदान की हाइप भोला के बाद ज़्यादा थी आपने इतनी बार पोस्टपोन किया इस मूवी की हाइप यहाँ से यहाँ पे लाई बाद में रिलीज़ किया वो भी क्लैश में और आज एक दिन का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन टेन करोड़ दिखने के बाद बोनी कपूर को यह प्लान सूझा है अब जब प्लान वर्क करेगा दो दिन के लिए थोड़ा बहुत पर अगले वीक में अगर ये वन देखो इनको लॉस तो हुआ है बाय वन गेट वन ये ऑफर ला रहे और इन्होंने मूवी का बजट भी हाँ बहुत हुआ है भाई वो बॉक्स ऑफिस इंडिया बता रहा है हंड्रेड करोड़ लेकिन जो ऑफिशियल न्यूज़ थी खुद बोनी कपूर ने स्टेटमेंट दिया था कि मैदान के पोस्टपोन होने के और मेरे मनी क्राइसिस की एक इंटरव्यू जाके देख लो, लो डेढ़ सौ करोड़ भी हो सकता है बजट अब ये दिखा नहीं रहे हैं पर दिख रहा है भाई क्योंकि बाय वन गेट वन का ऑफ़र दूसरे ही दिन पे लाना अब सीरियसनेस समझो मैदान रन वे थर्टी फोर से ज़्यादा करे तो भी मैं आश्चर्य साठ करोड़ भी मैदान करे तो भाई मैं थम्सअप बोल दूंगा पर मुश्किल र, लग रहा है और अगर आप ये बोल रहे हो कि धीरे धीरे लंबी रेस का घोड़ा है अरे लंबी रेस का घोड़ा क्या करे अगर मूवी सिर्फ एक 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 करोड़ करती रहेगी तो आगे क्या साठ दिन रखोगे थिएटर में एक एक करोड़ करते करते थोड़ा प्रैक्टिकल बना करो ना किसी के आंधे भी इतने मत बनो फैन शैतान को सेलिब्रेट करो मैदान गई है शायद देखते हैं वक्त बताएगा और कंटेंट बोलता नहीं है भाई आजकल आजकल वी बोलते हैं बॉडी डबल बोलता है कॉरपोरेट बुकिंग बोलता है कंटेंट नहीं बोलता है भाई वो इक्का दुक्का चलते तो फिर रन वे का कंटेंट क्या बुरा था अच्छी मूवी थी वो भी आ, देखते हैं क्या होता है